प्लेइंग 11 से बाहर होंगे सुमन गिल, फ्लॉप खिलाड़ी, अब करेगा टीम इंडिया में ओपनिंग। दोस्त, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे 3 वनडे मैचों की सीरीज में भारत ने पहला वनडे मैच 12 रन से जीत लिया है। इस वनडे मैच में सुमन गिल ने शानदार 208 रन की पारी खेली थी, लेकिन अब सुमन गिल प्लेइंग 11 से बाहर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये प्लेइंग 11 न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज या T20 सीरीज की नहीं है, ये प्लेइंग 11 फरवरी में होने वाली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज की है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम की बात करें तो रोहित शर्मा को टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया है और KL राहुल को वाइस कप्तान बनाया गया है। आप भी रोहित शर्मा को अच्छा कप्तान मानते हैं तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूले। जी हाँ दोस्तों, भारत की तरफ से ओपनिंग रोहित शर्मा और KL राहुल करने आएंगे। तीसरे नंबर पर विराट कोहली को टीम में जगह मिली है। नंबर 4 पर चेतेश्वर पुजारा को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। नंबर 5 पर इस बार सूर्य कुमार यादव को टीम में जगह मिली है। सूर्य टेस्ट टीम में डेब्यू करेंगे। नंबर 6 पर बहुत दिनों से बाहर चल रहे रविंद्र जडेजा को टीम में शामिल किया गया है। नंबर 7 पर हार्दिक पांड्या को प्लेइंग 11 में जगह मिली है। नंबर 8 पर मोहम्मद शमी को जगह मिली है। नंबर 9 पर कुलदीप यादव। नंबर 10 पर उमेश यादव को टीम में जगह मिली है। नंबर 11 पर नवदीप सैनी प्लेइंग 11 में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। बता दें, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैच और 4 वनडे मैचों की सीरीज होनी है।